नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे PTET 2019 की काउंसलिंग और स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। दोस्तों, जैसा कि PTET का रिजल्ट आ चुका है और हम सभी ने अपने मार्क्स भी देख लिए हैं, और अब मार्क्स देखने के बाद हमारे अंदर जो सबसे बड़ी जिज्ञासा चल रही है वो काउंसलिंग की है। कुछ परीक्षार्थी काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं और कुछ परीक्षार्थी काउंसलिंग नहीं कराने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ बता दें कि आपको काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी है, इस संबंध में भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसे अवश्य देख लें। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि बहुत से विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि हम काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं, कितनी वेटिंग लिस्ट निकलेंगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, एससी एसटी बीपीएल या विकलांग को स्कॉलरशिप किस प्रकार से मिलेगी। इस सभी की संपूर्ण जानकारी को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के PTET और BST से संबंधित समस्त नवीनतम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं। दोस्तों, PTET काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 वेटिंग लिस्ट इसमें जारी होती हैं। ज़्यादातर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लगभग 2 वेटिंग लिस्ट में ही पूर्ण हो जाती है। आखिरी जो वेटिंग लिस्ट जो निकलती है, या यूँ कहें कि जो थर्ड काउंसलिंग है उसी को थर्ड वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत लगभग जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको बता देते हैं कि वेटिंग जो लिस्ट है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये आपको बता देते हैं कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं, और यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और आपके मार्क्स यदि 220 या 230 ही हैं, तो आप याद रखें कि हमेशा आल राजस्थान के ऑप्शन को ही भरें, क्योंकि आप यदि च्वाइस का कॉलेज भर देंगे तो हो सकता है आपको वो कॉलेज ना मिले। यदि आप आल राजस्थान ऑप्शन भरते हैं तो आपको निकटतम ही 2 या 3 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपके मार्क्स 310 या 315 हैं तो भी आप आल राजस्थान का ही ऑप्शन भरें, 100% आपको नज़दीक का कॉलेज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हैंडीकैप्स की। यदि आप विकलांग हैं तो बता देते हैं दोस्तों, विकलांग के लिए एक अलग ही कोटा रिजर्व होता है, इसलिए जिनके 150 या उससे ज़्यादा नंबर हैं उनको भी विकलांग होने पर नज़दीक कॉलेज मिल जाता है। ये उनके स्पेशल कोटे के तहत होता है, उनकी स्पेशल सीट होती है। जो भी विकलांग कैंडिडेट्स हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी कैटेगरी बताएं, अपने मार्क्स बताएं, हम उनको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको नज़दीक कॉलेज मिलेगा या नहीं। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा हम आपको बता रहे थे कि एससी एसटी बीपीएल आदि को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। प्रत्येक कॉलेज में ये स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि लगभग उस फीस के बराबर होती है। आपको करना क्या है कि जैसे आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करा दें, कॉलेज की फ़ीस भर दें, उसके बाद में आप कॉलेज मैनेजमेंट को बिल्कुल जो है सूचित करें, वहाँ पे इंक्वायरी करें कि सर, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उसका फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना, इस प्रकार की इंक्वायरी आप कॉलेज मैनेजमेंट से अवश्य कर लें। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें पूरे राजस्थान में यदि 220-230 आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आपके नंबर हैं, तो आप आल राजस्थान का ही ऑप्शन भरें ताकि आपको कॉलेज में अलॉट हो सके। अब यदि इसके बाद भी आपकी और कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर GK ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइकोलॉजी आदि की वीडियो अपलोड होती रहती है। यदि इस प्रकार की एजुकेशन संबंधी वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो हमारे कॉलेज को हमारे इस ज्ञानधारा अरसोली चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा अरसोली चैनल को
और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।